इनकी समस्या ये है कि ये हताशा और निराशा का कारण है कि इन्होंने का आम सर्वे खारिज कर देते हैं। हम किसी को मानते ही नहीं हैं। कोई ब्राह्मण विरोध का चार्ज लगाता है, कोई ब्राह्मण के साथ का चार्ज लगाता है, लेकिन इस राजनीति में मुसलमान कहां गया जिसकी ढोलक ये लोग पिछले 50 साल से बजा रहे थे। हर आदमी वोट मांगने मस्जिद क्यों जाता था, जामा मस्जिद की। अब लोग नहीं जा रहे तो अब ये ब्राह्मण कार्ड पे आ गए। तो ब्राह्मण इतना बेवकूफ नहीं है इस देश का। सबको मालूम है कि नरसिम्हा राव के साथ जो ब्राह्मण था क्या किया था कांग्रेस पार्टी ने। तब बसपा नहीं बोली थी कि उनकी लाश को दिल्ली में चलने नहीं दिया गया। वो कोरोना में हर जिले के दौरे पर गए, वो नजर नहीं आता है, लेकिन ये मंदिर दर्शन नजर आता है। ये मंदिर से दिक्कत है क्या? नहीं, सवाल ये है कि हमें अपनी ख्वाहिश को खबर बनाना है, लिहाजा हम वही देखेंगे जो हमें अच्छा लगेगा। सवाल यह है कि योगी जी अगर सत्ता में ना होते तो ये सबको पता है कि अयोध्या में मंदिर नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं बनता, ऐसी ताकतें थी। अब अगर वो हैं और उनके दौर में बन रहा है तो वो मंदिर भी जा रहे हैं, हॉस्पिटल भी जा रहे हैं, लेकिन बार बार ये कहना कि मंदिर रुकते तो कम से कम योगी जी ने हिंदू को मंदिर के नाम पे तो नहीं मारा, आपने तो ब्राह्मणों का कत्ल किया। आपने 1966 के अंदर विजय चौक पे गोली चलवाई, संतों में हिंदू ब्राह्मणों को मारा, तब आपको ध्यान नहीं आया था? वो कांग्रेस के लीडर पूछे 1966 में इंदिरा गांधी ने विजय चौक पे किस पे गोली चलवाई, इनको याद नहीं आया? पीवी नरसिम्हा राव एक अकाट ब्राह्मण थे, उनकी लाश को किस तरीके से जलने नहीं दिया, उनकी लाश को कैसे कुत्तों ने खाया, तब ब्राह्मणवाद इनको याद नहीं आया? तो ये ब्राह्मण के नाम पर ये जो कर रहे हैं इससे ब्राह्मण समाज को पता है। ये इंडिविजुअल लोग हैं जो पार्टियों की अपनी अपनी चापलूसी में लगे हैं, लेकिन पूरा ब्राह्मण समाज इस बात का जानता है कि भगवान राम का मंदिर जो इतने सालों से लटका पड़ा था उसमें कांग्रेस का, सपा का, बसपा का क्या रोल था? तो क्यों नहीं योगी जी मंदिर जाएंगे? जाना चाहिए। पुष्पेन जी, पेगासस से लेके जो संसद में चल रहा है, जनता के विषय कोई नहीं उठा रहा है। अगर सरकार पे सवाल भी खड़े करने हैं तो ये विपक्ष का काम है कि जनता के सवाल तो खड़े करे। ये तो बोलने नहीं दे रहे सरकार को और ना खुद सवाल करते हैं, हुड़दंग कर रहे हैं संसद में। संसद किस लिए है? ले आइए बिल, जो मैंने कहा पुष्पेन जी, सवाल जवाब बंद, सिर्फ हुड़दंग होगा, ड्रामाबाजी होगी संसद में। पुष्पेन जी देखिए, देखिए जो आपके साइबर एक्सपर्ट थे हैं अभी, उन्होंने जब एक बात कहा कि बगिंग की बात कही जी, तो हम सबको लगता है कि बगिंग हम जैसे लोगों ने पहली बार उस वक्त सुनी थी जब प्रणब मुखर्जी के में बगिंग की जा रही थी। ये बगिंग शब्द हमने तब सुना था, इससे पहले हमने नहीं सुना था। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि उस बीजेपी के जो शांतनु साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनकी गलती नहीं है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि कल उन्होंने ममता बनर्जी की जो स्पीच थी जिसमें वो इस सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कर रही थी, वो बेचारे गलत समझ गए, उन्होंने सोचा आज ही उखाड़ के फेंक देते हैं, लिहाजा उनको कुछ समझ नहीं आया और उन्होंने जाकर के ये हरकत की। तो हमारे यहाँ जो हल्ला बोल नाम का नारा सड़कों पे लगता था वो आज राज्यसभा में लग रहा है, जिसके बारे में आपने कहा कि ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स का रिप्लिका है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मतलब होता है समाज के संभ्रांत लोग। वो संभ्रांत लोग किस तरीके का मैसेज दे रहे हैं? ये वो लोग नहीं है जिसपे ये आरोप लगा सकते हैं कि साहब कोई भी चुनाव जीत जाता है। ये तमाम सारे लोग हैं, इसमें राष्ट्रपति द्वारा नामित लोग भी बैठे हैं। तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि हम इस बहस को करें, लेकिन इस बहस को मुझे ताज्जुब लगता है कि भारत की राजनीतिक दलों के लिए वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम और गार्जियन जो हैं वहीं से गाइडेंस मिल रही है। और सवाल यह है कि वो पार्टी जो ये कह रही है कि बगिंग हो रही है, जासूसी की जा रही है, इजराइल के माध्यम से हो रही है, पत्रकारों की हो रही है, अपोजिशन लीडर की हो रही है, ये वो पार्टी कह रही है जिसने सुभाष चंद्र बोस के परिवार के ऊपर 1958 तक जासूसी की, उनकी बेटी ने डी क्लासिफाइजेशन में किया। ये कौन कह रहा है जिन्होंने चंद्रशेखर की सरकार गिराई जासूसी में?
ये कौन लोग कह रहे हैं कि जासूसी हो रही है, जो बेसिकली इसी अंदाज में सरकार में रहे हैं, अब वो अपने पुराने हथकंडों को अपना रहे हैं। लिहाजा वॉशिंगटन पोस्ट आज इनके लिए सबसे बड़ी बाइबिल हो गया है। हम सबको पता नहीं है न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने विज्ञापन में किस तरीके की डिमांड रखी है एक पत्रकार से कि आप ब्यूरो और मम्मी के ब्यूरो भरने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होगी। तो ऐसा कैसे होता है, रात में खबर छपती है और सुबह सुबह एक पार्टी इस्तीफा मांगती है गृहमंत्री का और संसद को नहीं चलने देते हैं। तो सवाल यह है कि अपने देश के अखबारों पर, अपने देश की व्यवस्था पे लोगों को कम यकीन है, पाकिस्तान की आईएसआई के साथ मिलकर मोदी को हटाने की चिंता ज्यादा है, वॉशिंगटन पोस्ट के माध्यम से ज्यादा है। ये टूलकिट जिसकी आप लंबे समय तक चर्चा करते रहे हैं, ये उसी का हिस्सा है। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो जरूर थोड़ी बहुत आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।